गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। आज मेनली जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज जुडिशियल स्टेटस ऑफ वेरियस नेशंस इन द वर्ल्ड। क्या जुडिशियरी की स्थिति है, कहाँ न्याय जल्दी सुनिश्चित किया जा रहा है, महिलाओं को पशुता से नहीं बल्कि पवित्रता से बर्ताव सामने से मिले, पशुवत न मिलकर, नॉट द लाइक एनिमल नेचर बट ह्यूमन नेचर एंड होली नेचर। महिलाओं को सम्मान, इज्जत और पवित्रता किन देशों में मिल रही, मैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और उसमें जुडिशियल स्टेटस की बात भी करूँगा। कहाँ न्यायाधीश हैं, क्या न्याय, कहाँ जुडिशियल गुंडे हैं जिनका न्याय से कोई लेना देना नहीं, भ्रष्ट तरीके से नियुक्त होना, भ्रष्ट आचरण करना, किन देशों में ऐसे लोग हैं, किन में अच्छे हैं, ये रिसर्च का एक टॉपिक मैं सभी यूनिवर्सिटीज को बनाएं और हम साथ रहते हैं इस मामले में। त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, अपराधियों को हर स्थिति में न्याय, अपराधियों को हर स्थिति में दंड देना और फर्जी नामजद व्यक्ति को जो गुनाहगार नहीं है उसकी हर स्थिति में रक्षा करना, ये न्यायिक व्यवस्था के हिस्से हैं। ट्रांसपेरेंसी जुडिशियरी डिमांड भी है। कल पाकिस्तान कुछ एजेंसियां जुडिशियरी में पहुंची थी कि बाप और बेटे यानी हमाज और नवाज के भाई जो आजकल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहनाज, दोनों खरबों रुपये घोटाले में नामजद हैं तो उनको पद से मुक्ति, गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को कुछ दिनों पहले जेल में डाला गया था और दूसरी जगह देखने में आ रहा है कि जगह जगह प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक गुंडागर्दी देखने को आ रही है जो विश्व में उचित नहीं है। यूएनओ एक नकार संस्था बनने की तरफ बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित भी कर दिया है कि हमारे भाई और बहन दोनों तरफ से आधुनिक हथियारों द्वारा मारे और जलाए जा रहे हैं और हम मूक दर्शक बनकर बेबस होकर देख रहे हैं। दिल में दर्द हो रहा है, पूरी मानव जाति को हो रहा है। उन कोई से चलते इस रिसर्च के टॉपिक के बीच में पुनः उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि बैठकर शांति का सांस दें, हालांकि संभावना कम है। इसी तरह दूसरों की नज़र उन पर लगी हुई है, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ ईश्वर से, प्रे टू गॉड फॉर पीस एंड एंड ऑफ द वार रूस यूक्रेन। तो मेरा टॉपिक वही चलेगा भी बराबर न्यायशाला। मैं चैनल की विश्व बिरादरी की महिलाओं से भी कहूँगा कि वुमेन जो कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर भाग ले, हम आपकी बात की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपके साथ पवित्रता का वातावरण इस संसार में पैदा हो। महिलाओं को पुरुष अपनी अधीनस्थ कर्मचारी रखते समय, अपने राजनीतिक दल में शामिल करते समय उनके साथ पवित्रता का बर्ताव करें, न कि पशुता का। वो किसी पद पर बैठा व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति, इस तरह के लोगों की बातें ऐसे आ रही हैं, प्रधानमंत्री और दूसरे जनप्रतिनिधि, न्यायिक शक्तियाँ जो भी, तो मैं शाहजाज यही कहूँगा कि इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे कि महिलाओं के साथ पवित्रता का बर्ताव किया जाए। और न्यायिक शक्तियों से मैं कहूँगा कि मर्यादित आचरण करें। एक गृह चरित्र के व्यक्ति का किसी न्यायालय में उपस्थित होना को अच्छा संदेश नहीं देता है। इसके लिए विश्व बिरादरी से मैं कहूँगा जहाँ जहाँ न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति की जाए, बहादुर व्यक्तियों में न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। सबसे पहली बात है कि उसके अंदर नैतिकता पाई जाए, मॉरलिटी पाई जाए। भारत में न्याय प्रणाली शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध रही है, जो विश्व बिरादरी आज भी पढ़ सकती है उनको। उन्होंने अपने स्वयं पुत्र को दंड दिया था आगरा की अदालत में कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, आपने एक महिला के साथ बुरा बर्ताव किया।
मैं न्यायाधीश कम्युनिटी से कहूँगा, जजेस कम्युनिटी से भी, कि चैनल पर आएँ और जहाँ जहाँ खामियाँ दिखाई दें सजेस्टिव फॉर्म में आएँ। और ये बात रिसर्च को सबसे हेडलाइंस में लेनी चाहिए, वर्ल्ड में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि मैं एक डिमांड ये भी करूँगा सभी नेशन से मिलकर कि जुडिशियल यूनिवर्सिटी तरफ भी काम करें। अगर और किसी से नहीं बन रही हो तो हम क्वाडवास वुमेन यूनिवर्सिटी की जो प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी है इसे जुडिशियल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की बात भी आगे बढ़ सकती है, पर विशेष रूप से मैं जुडिशियल लॉयर्स बिरादरी और जुडिशियल कम्युनिटी से कहूँगा कि इस रिसर्च को आगे बढ़ाने में सहयोग दें कि श्रेष्ठ न्याय प्रणाली प्योरिटी इन जुडिशरी किस देश में सबसे अव्वल दर्जे और सबसे कहाँ नीचे दर्जे की है। ये मैंने कल बताया था, दोनों से मांग की जा रही थी, भैया इतने खरबू रुपये खर कर भग गए यहाँ से और इनका पैसा बाहर चला गया। ऐसा एशियन अफ्रीकन लेटे अमेरिकन देश तो भारी शिकार हैं, यहाँ भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट व्यापारी मिलकर जन खाते की लूट मचाते हैं। इसके लिए मैं जनता का चैनल होना थे, जनता से भी कहूँगा कि जगह आपके बच्चों का धन लूट लूट कर भ्रष्ट और निकम्मे, बेकारी है, शिक्षा रुग्णता और दरिद्रता इतनी बढ़ा दी भूखमरी इन हरे भरे महाद्वीपों में। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ ही पता नहीं, कोई स्विस बैंकों को उस बैंक में, कोई इंग्लैंड बैंक में, यानी एक तमाशा बन जाना। आह्वान करते हैं जनता को, तुम इस देश को पालो और हम फिर इसको जी भर के लूटेंगे हमारे लूटे। ये व्यवस्था चलने वाली है। यूएनओ अगर फेल हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा था, कम से कम एशिया स्तर पर यूरोसंघ भी अपने सक्रिय अवस्था में आया, अफ्रीकन संघ, लेटिन अमेरिकन संघ, नॉर्थ अमेरिकन, यानी एक इस प्रकार से कंटिनेंटल टाइप यानी महाद्वीपीय संघ जरूर होना चाहिए। जैसे हमारे ग्रामीण स्तर पर भी बातें पाई जाती, रूरल एरिया में लोग मिलजुल कर और शांति स्थापित करवा देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी में बात देखी जाए, महिलाओं को पवित्रता से उनको देखा जाए, पशुता से नहीं, और उनको त्वरित न्याय मिले, उनको अवसर मिले फॉर डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन टाइप का लिए भी जो बताया जा रहा था कि भाई अभी टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज को फंडिंग कर रही है यूएसए की एजेंसी, कि आप बॉलीवुड में और हॉलीवुड में अंतर देखें महिलाओं की स्थिति पर, वहाँ वो किस अस्तित्व में, यहाँ कहाँ है, यानी वहाँ उनको कौन सी पोस्ट होल्ड करती है, यहाँ कौन सी करती है। तो वो रिसर्च भी चल रही है। तो मैं यही कहूँगा इस पूरी मानव जाति से कि शांति से रहें और महिलाओं के साथ पवित्रता का बर्ताव करें, न कि पशुता का। धन्यवाद।